ओम नमः शिवाय। रवि पुष्य नक्षत्र में यदि जो भी विधि की जाती है और किसी अच्छे कार्य के लिए की जाती है, वे सभी विधियाँ जरूर पूर्ण होती हैं। उनके चमत्कार भी बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। तो आज की विधि भी रवि पुष्य नक्षत्र पर है। अपमार्ग का पौधा, जिसे उल्टे कांटे का पौधा भी कहा जाता है, यह दो प्रकार के होते हैं, एक लाल रंग का और एक सफ़ेद रंग का। लाल रंग में जो ऊपर के कांटे होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, और जो सफ़ेद रंग का पौधा होता है वो पूरा ही हरा होता है। तो आज की विधि में इस रवि पुष्य नक्षत्र में आपने लाल रंग के अपमार्ग के पौधे का प्रयोग करना है। आप रवि पुष्य नक्षत्र में उस दिन किसी भी समय आप जहाँ पर भी आपको इस पौधे की जानकारी हो, आपके घर के नज़दीक जहाँ पर भी ये पौधा लगा हो, तो आप वहाँ से इस पौधे को एक ही झटके में उखाड़ कर लेकर आएँ, और ये पौधा पूरा जड़ से उखड़ना चाहिए। तो आपने इस पौधे को किसी स्वच्छ पत्थर से आप इसे कूट ले, और कूटने के बाद आप इसे अपने घर में ही कहीं सुरक्षित स्थान पर रखें, जहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति इसका प्रयोग ना कर सके। जो आपने अपमार्ग के पौधे के आपने तिलक बनाया है, और उसी दिन आपने इस तिलक को अपने माथे पर लगाना है। दो रवि पुष्य नक्षत्र आपने इस विधि को करना है। यदि आप पूरे विधि विधान से इस विधि को कर लेते हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। इस विधि का केवल अच्छे कार्य के लिए ही प्रयोग करें। यदि आप किसी गलत कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, इसका उल्टा आपके ऊपर भी पड़ सकता है। इसीलिए आप किसी भी विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें। आप ध्यान रखें, जब भी रवि पुष्य नक्षत्र आता है तो आपने अपमार्ग का पौधा, जिसे उल्टे कांटे का पौधा भी कहा जाता है, वो उखाड़ कर लेकर आए, और आप पूर्ण विधि विधान से आप इस विधि को करें, और इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।